तो फ्रेंड्स अभी तक आपने क्या सीखा? अभी तक आपने सीखा कि डिस्प्ले को फ्रेम में से कैसे निकाला जाए, उसका जो ब्रोकन ग्लास है उसको किस तरीके से रिमूव किया जाए, और जो डिस्प्ले होती है, जो ओके डिस्प्ले होती है, उसके ऊपर से ग्लू को किस तरीके से क्लीन किया जाए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कि जो हमारी डिस्प्ले है उसके ऊपर OCA ऑप्टिकल क्लियर एडहेसिव कैसे लगाया जाए, और क्या होता है ये ऑप्टिकल क्लियर एडहेसिव OCA। तो हम डिस्कस करेंगे OCA के बारे में। यहाँ पे हमारे पास कुछ OCA हैं। OCA क्या होती है? ऑप्टिकल क्लियर एडहेसिव। आप मोटी मोटी लैंग्वेज में अगर आप जाने तो ये डबल साइडेड ग्लू होती है, दोनों तरफ चिपकने वाली ग्लू होती है, और ये अलग अलग साइजेस में आती है, अलग अलग मोटाई में आती है। जो नॉर्मली मार्केट में मिलती हैं, जो बेस्ट रहती हैं ऑलमोस्ट सभी मोबाइलों में जो सपोर्ट करती हैं, वो करती हैं 250 UM, 200 UM, 175 UM। UM का मतलब है जो OCA की थिकनेस है। हम बात कर रहे हैं OCA की थिकनेस के बारे में। अगर हम OCA की बात करें, OCA की थिकनेस, थिकनेस का मतलब होता है इसकी मोटाई, ये जो मोटाई है ये कितनी है। तो ये इसके जो आती है, आप सजेस्ट मैं आपको करूंगा 200 UM, 250 UM, 175 UM तक आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये तो होगी बात थिकनेस की। उसके बाद होता है साइज, कितनी चौड़ी है। तो इससे मार्केट में जनरली आप देखेंगे 5.5, 5.7, 6.0, 6.2, 6.3, 6.5, 7.0 इंचेस, इस टाइप से OCA आती है। ये साइज हम डिपेंड करता है हमारी डिस्प्ले के ऊपर कि डिस्प्ले कितनी बड़ी है और OCA कितनी बड़ी हमें चाहिए। तो जनरली अगर जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप सेम साइज की OCA लगा सकते हैं, अदरवाइज आप थोड़ा बड़ा साइज लीजिए, बड़े साइज की OCA लगाइए और बाद में कट कर दीजिए। तो दोनों प्रोसेस से मैं आपको OCA लगा के बताऊंगा, और OCA के भी कई तरीके होते हैं लगाने के। इसके लिए हमें OCA चाहिए होती है, और एक रोलर चाहिए, और क्लीनिंग करने के लिए क्लोथ चाहिए, और जो मैंने आपको बताया था वाइट ऑयल वो चाहिए, और इसके अलावा हमें चाहिए एक यूवी लाइट, डस्ट, जो डस्ट को पकड़ सके और डस्ट को देख सके। ये हमारे हाथ में यूवी लाइट है जो हमें डस्ट ढूंढने में काम आएगी। जैसे मोबाइल पे जो LCD है उसके ऊपर डस्ट आ जाती है, तो जब OCA लगाने से पहले हमें सारी डस्ट क्लीन करनी होगी। इसको हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, इसको मैट के पास हम लगा लेंगे अपने, इस तरीके से मैंने अपने मैट के पास इसको लगा लिया है, और जो भी डिस्प्ले के ऊपर डस्ट है वो मुझे क्लियरली नजर आ रही है। ये देखेंगे आप, सारी डस्ट बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है यूवी लाइट ऑन करने के बाद। सो पहला काम है इसको हमने प्रॉपरली क्लीन करना। जैसे कुछ डस्ट रूम आते हैं, उस डस्ट रूम के अंदर भी आप काम कर सकते हैं ताकि जो डस्ट है वो कम से कम जाए, क्योंकि ये ब्लैक है, इस पे अगर हल्की सी भी डस्ट रह गई तो जब हम इसको कॉम्बो बना देंगे तो जब कस्टमर को लगाएंगे तो वहां पे मामूली सी डस्ट नजर आएगी और कस्टमर आपको कंप्लेन करेगा कि कुछ है डिस्प्ले के अंदर। तो डस्ट का आपको ख्याल रखना है, प्रॉपरली क्लीन करनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेश क्लोथ लेंगे बार बार, पुराना क्लोथ नहीं लेंगे जब फाइनल क्लीनिंग करनी होती है, और वही व्हाइट ऑयल, इसमें हमने व्हाइट ऑयल डाल दिया है, इसमें व्हाइट ऑयल हम लेंगे और इसे हम क्लीन करेंगे। हमने ये प्रॉपरली क्लीन करना है, और फाइनल क्लीनिंग के लिए इस तरीके से हम पकड़ सकते हैं और एक ही बारी में सारा क्लीन हो जाएगा। आप अपने रूम को डस्ट फ्री बना सकते हैं, उसके लिए दो तीन चीजें आती हैं। एक आता है ह्यूमिडिफायर, ह्यूमिडिफायर आप लगा सकते हैं। ह्यूमिडिफायर लगाने के से आपका जो डस्ट है वो बैठ जाती है, और हेल्थ के लिए भी ये बहुत फायदेमंद चीज है। एयर प्यूरिफायर का काम करता है ये, तो हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद चीज है। तो ह्यूमिडिफायर आप लगा सकते हैं, ये हमने इसको प्रॉपरली क्लीन कर दिया है। जो यूवी लाइट होती है उसमें डस्ट प्रॉपरली चमकती है, तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं। अब हम इसके साइज के अनुसार या साइज से बड़ी OCA लेंगे। OCA को निकालने का जो तरीका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें 3 लेयर होती हैं, मतलब टोटल इसमें 4 पीस हैं, 3 वेस्ट पीस हैं और 1 यूज जो OCA है वो है। तो फर्स्ट लेयर हम निकालेंगे इस तरीके से, ये पहली लेयर निकाल दी हमने। अब इसमें 3 लेयर बची हुई हैं, 2 निकालनी है हमें, तो पहले 1 निकालेंगे और लगाएंगे। और इसको जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं रोलर की मदद से। अभी थोड़ी सी डस्ट आ गई है, मैं इसको साफ कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ। ये मैंने क्लीन कर दिया। एक मैं OCA शीट निकाल चुका हूँ, और दूसरी निकालने के लिए भी ये तरीका क्या है, इसको पहले हल्का सा मोड़ देंगे, इस तरीके से मोड़ देंगे, और फिर इसका जो वेस्ट शीट है इस तरीके से पकड़ के बाहर निकाल देंगे।
ये पहला तरीका है ओसीए शीट लगाने का, कि आप इस तरीके से पकड़ें ओसीए को और रोलर की मदद से यहां से बिठाएं। ये आपने बिठा दी, बिठाने के बाद इस तरीके से आप बिठा सकते हैं यहां से और यहां से कोने पे से। कोने पे बिठाने के बाद रोलर चला दें इस तरीके से। ये आपकी ओसीए लग गई है। अगर बाय चांस ओसीए लगाते वक्त आपके बबल आ रहे हैं तो आप इसको बबल रिमूवर में डाल के आप बबल्स निकाल सकते हैं। तो अभी फिलहाल ओसीए लग गई है, आप देखेंगे अभी हमने थोड़ी बड़े साइज की ओसीए लगाई है, तो जो एक्स्ट्रा ओसीए है उसको हम काट देंगे। कटिंग करने के लिए हम प्लेन सरफेस पे करेंगे, जनरली कांच पे करें तो ज्यादा बेटर है। ओसीए काटने के लिए जनरली हम यूज करते हैं 22 नंबर का सर्जिकल ब्लेड और होल्डर। ये हमारे पास 22 नंबर हो 23 नंबर हो तो ऑलमोस्ट सेम है, 22-23 नंबर का यूज कर सकते हैं और होल्डर यूज कर सकते हैं। और जो हम सजेस्ट करते हैं आप एक ब्लेड से 4-5 ओसीए काटिए, अदरवाइज डिस्प्ले डैमेज या और चीजों का दिक्कत आ सकती है। और इस तरीके से आप ये ओसीए काट सकते हैं। ओसीए काटने के दो तरीके हैं, कि अभी दो लेयर है इसके ऊपर, हमने दोनों की दोनों लेयर काट दी, या हम इसमें सिर्फ एक लेयर काट सकते हैं। आप हल्का सा इस पे चलाएंगे, ये देखिए मैं हल्का चला रहा हूं इसको, मैंने सिर्फ ओसीए की लेयर काटी है, दूसरी लेयर नहीं काटी है। और इस तरीके से हमने सिंगल लेयर सिर्फ ओसीए निकाल दी है। इधर से मैं सिंगल लेयर ही काट देता हूं, जिससे हमारी टेबल वगैरह पे स्क्रैच नहीं आएंगे और ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। इस वक्त सिर्फ ओसीए की सिंगल लेयर मैंने काटी है, जो सेकेंड लेयर है वो बची रह गई है। इस तरीके से ओसीए लगा सकते हैं, या दोनों लेयर आप काटना चाहें इकट्ठा, दोनों लेयर भी इस तरीके से काट सकते हैं। और एक ब्लेड से हम आपको सजेस्ट करते हैं 4-5 ओसीए काटिए, उसके बाद ब्लेड चेंज कर लीजिए। इस तरीके से हम काट सकते हैं। ये हमने काट दिया, ये आपकी ओसीए लग गई है। और मैं आपको दूसरा मेथड भी बताता हूं ओसीए लगाने का। अभी मैंने आपको एक ओसीए लगा के दिखाई, अब मैं आपको और भी ओसीए लगा के दिखाता हूं। यहाँ पे हमारे पास एक और डिस्प्ले है, और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, नीचे से ये मैट हमेशा क्लीन होना चाहिए, चाहे आप ग्लू साफ कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं। अगर कांच रह गया या डस्ट रह गया तो वो आपकी डिस्प्ले को डैमेज कर सकता है। सेकेंड, डिस्प्ले को भी हम पीछे से क्लीन कर देंगे, डिस्प्ले को भी पीछे से साफ कर देना चाहिए। और इसे भी हम साफ कर देंगे मैट को, ये हमने लगा दिया। अब फाइनल क्लीनिंग करनी है, नया क्लॉथ लेंगे, इस तरीके पकड़ सकते हैं। और अगर डस्ट वगैरह ज्यादा गिर रही है तो एक चीज का मैं और बताऊंगा, जो हमारे हेयर होते हैं हम उसके ऊपर ये झुके काम करते हैं, हमारे बालों से हमारे कपड़ों से भी काफी डस्ट गिरती है, तो उसके लिए जब आप प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ESD ड्रेस पहन के करें, ताकि जो आपका बॉडी से जो कपड़ों से डस्ट गिर रही है वो ना गिरे। तो हम इसकी पूरी डस्ट क्लीन कर देते हैं। डस्ट क्लीन हो गई। अभी मैंने आपको एक मेथड बताया, दूसरा मेथड और बताता हूं मैं आपको। जो ओसीए निकालनी है आप डायरेक्ट पीछे खींच सकते हैं, कई बार इस तरीके दिक्कत आती है, तो हल्का सा आगे मोड़ के फिर इसको पीछे की तरफ आप खींचिए। फर्स्ट लेयर हमने निकाल दी ओसीए की, और सेकेंड लेयर निकाल दी, पहले हमने आधी निकाली थी, इस बार हमने पूरी निकाल दी है। अब हमने इस तरीके से ये पकड़ लिया है, और इस उंगली से मैं प्रेस करके एडजस्ट करूंगा, और पीछे वाली उंगली से मैं पकड़े रखूंगा ताकि नीचे की तरफ ना टच हो। रोलर की मदद से ये मैंने देखिए सेट कर दी ओसीए, रोलर की मदद से इस तरीके धीरे धीरे हाथ स्लाइड करते हुए, धीरे धीरे हाथ स्लाइड करते हुए मैंने ओसीए लगा दी। और जो एक्स्ट्रा ओसीए है हल्की सी, उसको हम कट कर देंगे। यहां से आप देखेंगे थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, इसको हम कट कर देंगे। अच्छा, अगर आपको इस तरीके से ओसीए लगाने में दिक्कत आ रही है, आप ओसीए नहीं लगा पा रहे हैं, तो मैं आपको एक और बहुत इजी वे बताता हूं ओसीए लगाने का। ये हम डिस्प्ले साफ कर देते हैं, इसका आप यहां से आप ध्यान से देखेंगे, यहां से हल्का सा पोलराइजर खराब हो रखा है। कोई बात नहीं, अभी हम ओसीए लगा देते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा कि पोलराइजर कैसे चेंज करते हैं, और अगर ओसीए आपकी टेढ़ी मेढ़ी लग गई है, बबल्स ज्यादा आ गए हैं, तो उस ओसीए को किस तरीके से बहुत इजीली उतारते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं।
पोलराइजर लगाना मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा कि पोलराइजर किस तरीके से निकालते हैं, कैसा पोलराइजर होता है, कैसे लगाते हैं। सो अभी हमने डस्ट क्लीन कर ली, दोबारा डस्ट क्लीन करनी पड़ेगी इसको हमें। अभी हम एक वेट शीट जो है इसकी निकाल देते हैं। अब जो ओसीए का उतरने वाला पार्ट है वो हम नीचे रखेंगे इस तरीके से। जहां पे ओसीए लगनी है इसको हमने सेट कर दिया, जिस तरीके से ओसीए हमने लगानी है एग्जैक्टली ओसीए हमने सेट कर दी है। उसके बाद कोई डिस्प्ले या टूटी डिस्प्ले, खराब डिस्प्ले या ग्लास वगैरह लेकर हम इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे जो इसकी सेम मोटाई का हो। जैसे ये मैंने डिस्प्ले और ग्लास लिया, ये मोटा हो गया, तो मैं कोई और डिस्प्ले ले लेता हूँ। मैं सजेस्ट करूंगा इसके लिए आप कोई खराब डिस्प्ले लें, वही बेटर है। ये आपने डिस्प्ले इसके साथ लगा दी, मोटाई बराबर होनी चाहिए। ओसीए को फिट कर दिया हमने इसके ऊपर इस तरीके से, ओसीए फिट हो गई इस तरीके से। हमने ओसीए रख दी है और जो ओसीए का उतरने वाला है, जो हमने नेक्स्ट लेवल उतारना है, वो नीचे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम ले लेंगे टेप और बिना इसको हिलाए यहाँ पे हाथ रख के, जहाँ सेट है वहां पे सेट पे हाथ रख के इस तरीके से हम टेप लगा देंगे। अगर आपसे सीधी नहीं लग पा रही है तो आप इस तरीके से सीधी लगा सकते हैं। ये हमने लगा दी, डिस्प्ले को कोई भी नहीं हिलाना। अब इसको हम उठा लेंगे, ओसीए को हमने उठा लिया। अब डिस्प्ले को एक बार और क्लीन करना ना भूलें, प्रॉपरली डिस्प्ले को क्लीन करेंगे। ये डिस्प्ले को हमने प्रॉपरली क्लीन कर दिया है। डिस्प्ले क्लीन करने के बाद अब इस तरीके से ओसीए का जो वेस्ट पेपर था इसको ये हमने उतारा, ओसीए को साइड में से उठा लेंगे और ऐसे पकड़ लेंगे और जहां पे टेप है उस साइड से रोलर को चलाएंगे, देखिए इस तरीके से। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना है, आईसी के ऊपर रोलर नहीं जाना चाहिए आपका। आईसी के ऊपर रोलर जाएगा, आईसी खराब हो सकती है, डिस्प्ले टूट सकती है। और आप देखेंगे बिल्कुल सेम साइज की ओसी है, बिल्कुल सेम तरीके से परफेक्टली हमने लगा दी है। ये टेप हम हटा देंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली, कहीं से छोटी बड़ी नहीं, बिल्कुल सही साइज में लगा दी है। जो हल्के फुल्के बबल अगर इनके ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि जब टेप उखाड़ते हैं तो उस तरीके से आ सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो बबल्स आते हैं इनको हाथ से नहीं दबाना है आपको, आपको बबल रिमूवर में डाल के ये बबल्स निकालने हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ओसीए लगाने के दो तरीके मैंने आपको दिखाए कि किस किस तरीके से ओसीए लगाई जाती है। एक टेप की मदद से आप ओसीए लगा सकते हैं और एक आप डायरेक्टली हाथ से लगा सकते हैं। अगर आप हाथ से लगाने में टेढ़ी लग रही है या छोटी पड़ जाती है, एक साइड से साइड में हो जाती है, तो उसका बेटर ऑप्शन है कि आप थोड़ी बड़ी ओसीए लेके काम करें। और अगर तब भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जो मैंने टेप वाला ऑप्शन बताया है उस तरीके से भी आप ओसीए लगा सकते हैं। और ओसीए लगाने के लिए कुछ मशीन्स भी आती है, जैसे आपको बल्क में ओसीए लगानी है, लगातार ओसीए लगानी है, तो ओसीए पुट मशीन भी आती है, उसके थ्रू भी आप ओसीए लगा सकते हैं। और कई बार जैसे आपकी ओसीए गलत लग गई, उस ओसीए को कैसे रिमूव करें, इसका मैं एक आपको बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगा। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हैंड से आप कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए अगर ये ओसीए गलत लगी हुई है तो इसको किस तरीके से निकाला जाए। तो फर्स्ट जो इसकी ऊपर की एक्स्ट्रा लेयर थी वो हम निकाल लेंगे। ये हमने एक्स्ट्रा लेयर जो है वो निकाल ली और कोई भी कोना पकड़ के इस तरीके से हम खींचेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से ये हमें पीछे की तरफ खींचना है, ऐसे नहीं खींचना या सीधा नहीं खींचना, हमें बैक साइड में पीछे की तरफ खींचना इस तरीके से। और डिस्प्ले को ध्यान से पकड़िएगा, टूटनी नहीं चाहिए। ये धीरे धीरे आप खींचिए, ये देखिए आप कितने प्यार से ये ओसीए निकल रही है। इसके लिए कोई केमिकल की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर फ्रेश ओसीए आपने लगाई है और वो गलत लग गई है, वो निकालनी है, देखिए बहुत ही आराम से ये आप निकाल सकते हैं, धीरे 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 करके। ये देखिए, देखा दोस्तों कितनी आराम से ये ओसीए निकल गई है। चलिए मैं एक बार और निकाल के दिखाता हूं दूसरी एलसीडी में से।
तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ किस तरीके से निकालेंगे। मान लीजिए अगर इस पे गलत ओसीए लग गई है, बबल रिमूवर में डालने के बाद भी बबल नहीं जा रहे हैं, तो आपको ओसीए रिमूव करना पड़ेगा और नया ओसीए लगाना पड़ेगा। तो अब मैं इसको आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। फर्स्ट आप इसका निकाल लेंगे फर्स्ट लेयर, और धीरे धीरे इस तरीके से पकड़ के बैक पीछे की तरफ खींचना है, ऐसे आगे की तरफ नहीं खींचना। और अगर आप खींच रहे हो गलत और ये टूट जाता है, मान लीजिए ये इस तरीके से टूट गया, तो आप क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए इस तरीके से टूट जाता है, दूसरा कोना पकड़ लेंगे, दूसरे कोने से आप ले लेंगे, ये इस तरीके से दूसरे कोने से पकड़ सकते हैं और फिर आप निकाल सकते। आप देख सकते हैं बिना हीट किए, बिना किसी केमिकल की मदद से और बिल्कुल क्लीनली ये निकल जाएगी। टूटने के बाद दूसरे कोने से आप पकड़ के शुरू कर सकते हैं। ये अब बिल्कुल डिस्प्ले क्लीन है, कहीं कोई ग्लू नहीं रहा, बिल्कुल परफेक्टली आप इसको उतार सकते हैं। तो ये प्रोसेस था ओसीएल लगाने का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको ग्लास को या टच को इसके ऊपर लैमिनेट किया जाए, लगाया जाए और पूरा आपका कॉम्बो नया बनाया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।